पन्ना नगर की वार्ड नंबर 1 एवं 5 की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर गरीबों को नहीं दिया जा रहा 3-3 माह से खाद्यान्न, सेल्समैन दिनेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। पन्ना नगर के ग्रामवासियों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान 1 एवं 5 के विक्रेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विक्रेता द्वारा अंगूठा लगा लिया जाता है मगर खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर सेल्समैन दिनेश यादव ने कहा कि समय से खाद्यान्न नहीं मिलता, जिस वजह से यह परेशानी होती है। 3-3 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है, पर्ची काट लेते हैं। नहीं नहीं सर, अंगूठा लगाकर आदमी चला जाता है, फिर कलेक्ट नहीं करता है, फिर आता है 2-3 महीने बाद आता है इकट्ठा, तो फिर हम लोगों की मजबूरी हो जाती है कि अंगूठा लगा है तो देना पड़ेगा। आरोप लग रहा है कि आप ब्लैक कर देते हैं सुबह। ब्लैक कैसे होता बताइए ना, आप थोड़ा सा आप ही समझाइए। अंगूठा लगा के इनका गल्ला नहीं देते हैं। नहीं 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 नहीं, जैसे हमने अंगूठा लगा लिया, अब माल लेट हो जाता है आने में, ठेकेदार देने में 5-10 दिन लेट कर देता। जैसे अब हमारा जुलाई का माल अभी मिला अगस्त में, तब जुलाई का अभी बट रहा।